भैया क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? मैं बताती हूँ, मेरे राहुल की डेड बॉडी मिली है। खुशियाँ मनाओ तुम। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चलकर शनाख्त कर लें। भैया चलिए चलिए चलो चलो। इतना खराब हो चुका है उसे बचाने लायक नहीं है, लेकिन उसके पास से कुछ चीजें मिली हैं जैसे कि रुमाल, उसका कंघा, उसका वॉलेट। अगर आप वो सब देख ले तो उसका नाम क्या? मैं लाश देख सकती हूँ? नहीं नहीं तुम यहीं रुको, चलिए मैं भी देखना है। ठीक है आइए। ठीक है ये सब क्या हो गया? और मेरा माँ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी सब ठीक हो जाएगा। आइए चौधरी साहब, देखिए ये वॉच, ये कंघा, ये वॉलेट, ये रुमाल, इन सब से आपको नर रह सकता है। हमने आपको शक के बिना परेशान किया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ ये राहुल नहीं है, वरना पता नहीं हम पर क्या बीतती।
अनिरुद्ध, इतना परेशान होने से क्या फायदा है बेटा? माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे अपने रिश्ते, मेरा इतना बड़ा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? माँ, आज मेरी पहचान क्या है? यही ना कि मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और मेरा बेटा गायब हो गया है। अनिरुद्ध, तो बेटा गायब हो गया है तो उसे ढूंढने के लिए तुम क्या कर रहे हो अनिरुद्ध? माँ, अपने तरफ से मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया और कर भी रहा हूं। हमारी इतनी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? तो क्या हमें ऋषि को भूल जाना होगा? कौन भुला सकता है मां, और कैसे भुला सकता है उसका घुटनों पर चलना, बोलने की कोशिश करना, जब वो हंसता तो उसके साथ हम हंसते, जब वो रोता तो हम सब उसके साथ रुहासा हो जाते, और कभी कभी अगर उसे बुखार आ जाता तो उसके साथ साथ हम सबको भी बुखार आ जाता। ये सबको ही कैसे भुला सकता है मां? तीसरी पीढ़ी का पहला लड़का, मेरा पहला पोता, दादा दादी का दुलारा, जिसकी परवरिश में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा दे दिया, वही अपना खून, हम सबको पराया करके चला गया। उसे किसी भी तरह से ढूंढ निकालो अनिरुद्ध। मां, जब मेरे अपने खून मेरे बेटे के दिल में वापस आने की इच्छा नहीं है तो कोशिशों से क्या होगा? वो बेचारा तो भंडारी की गिरफ्त में है, भंडारी के सामने उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा होगा वो। पता नहीं मां, पता नहीं उसने ऋषि को कहां छुपा रखा होगा, कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा मां। बस हम ये आस लगाए बैठे हैं कि वो भंडारी के पास है। अब ये सच है या झूठ इसका भी तो सबूत नहीं है। अनिरुद्ध बेटे, ये सिर्फ वक्त की बेचारगी है, वक्त ने हमें इतना लाचार कर दिया है कि हम ऋषि को ढूंढ नहीं पा रहे। देखना, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन यही वक्त ऋषि को हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। बाबूजी, चलिए दवाई खा लीजिए। बेटी, मैं ये दवाइयां खा खा के तंग आ चुका हूँ। बाबूजी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते दवाई तो खानी पड़ेगी ना। चलिए चलिए दवाई खा लीजिए। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आपको दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने कहा है। चलिए लीजिए। डॉक्टरों की बातों में आने लगी तो पूरी जिंदगी दवा खाते रहना पड़ेगा। बेटी, सच पूछो तो मैं जो बीमार हुआ हूं वो इस घर के हालात को देखकर। पहले ऋषि का दुख कम था, जो ये अब राहुल का दुख आ गया। बाबूजी, मेरा तो नसीब ही खराब है। तुम अपने नसीब को क्यों दोष देती हो बेटी? नसीब तो उसका खराब है जो तुम्हें छोड़कर चला गया है। इस घर में उसे किस बात की कमी थी? इस घर में रहते हुए उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होने लगी थी।
बेटी, ये सब उसने अपने मन से पैदा कर लिया था। इस घर में उसके सम्मान में कोई भी कमी नहीं थी। और मैं तो हमेशा ही तुमसे कहता था कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी अपनी जिद थी। हमें क्या पता था कि वो अपने सपनों के चक्कर में रिश्तों की बुनियाद को भुला देगा, हमें भुला देगा। अब देख लिया ना इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। बेटी, तुम मुझसे कुछ कहो या ना कहो, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। अगर राहुल को हम सबसे शिकायत थी तो कम से कम उसे तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था। बाबूजी, राहुल को कभी ना कभी तो मेरी याद जरूर आएगी, हो सकता है कि वो तब वापस आ जाए। बेटी, मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वो वापस लौट आए। मेरी इकलौती बेटी की आंखों में आंसू देकर वो अकेले भला कैसे सुखी रह सकता है, उसे वापस आना ही होगा। बाबूजी, आप ये बातें मत सोचिए। देखिए, अभी अभी आपकी तबीयत संभली है, ये सब बातें सोचेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चिंता तो होती है बेटी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में इस तरह की परेशानियां पैदा हो जाएंगी। बाहर निकलता हूं तो लोगों से आंख मिलाते शर्मिंदगी होती है। बाबूजी, आप सो जाइए। बेटी, नींद भी तो नहीं आती है। इस उम्र में नींद की बात करना ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा मूंछों की बात कर रहा हो। बाबूजी, आप भी ना ऐसी मिसाल देते जो किसी ने सुनी ना हो। अच्छा, मैं जाती हूँ, माँ को भेजती हूँ। चलिए, आप सो जाइए। चलिए, लेटिए लेटिए। किसके फोन का इंतजार है? मुझे किसी के फोन का इंतजार नहीं, तुम जाके सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नींद आएगी। किसने तुम्हारी नींदें उड़ा रखी है, कुछ बताओगे? देखो, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बिना किसी बात के तुम्हारे चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम डरे हुए हो। मैं कैसे डरूंगा? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम बोलती रहती हो। जो दूसरों को डराना जानते हैं वो खुद नहीं डरते। प्रशांत, तुम अपने आप को तो झूठी तसल्ली दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूं कि तुम्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर मानसी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, पूरी दुनिया से मुंह छिपाना कितना मुश्किल होगा। प्लीज बकवास बंद करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसके लिए मुझे अपना मुंह छिपाना पड़े। मैं जो कुछ भी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। तो फिर बताते क्यों नहीं कि किसके फोन का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें हर बात बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो फिर सोते क्यों नहीं, यहाँ क्यों बैठे हो? अगर तुम्हें मानसी का इतना ही डर है तो जाके उससे माफी मांग लो, शायद तुम्हें गिड़गिड़ा के देख के वो तुम्हें माफ कर दे। बस चुप चुप, बहुत बड़बड़ करती रहती है तुम। मैं उस दो टके की लड़की से माफी मांगू, मैं उसे डरता हूं? नहीं, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, अब उसकी बोलती बंद हो जाएगी, इसीलिए मैं फोन का इंतजार कर रहा हूं।
जाओ यहां से, यहां पर क्यों खड़ी हो?